हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, व्हाई डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 20, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अबाउट द चैप्टर, मेन हैव ऑलवेज बीन कंसर्न अबाउट द गवर्नेंस इन वट एवर फॉर्म सिंस इट अफेक्ट देम डायरेक्टली। प्रिमिटिव ट्राइब्स वुड चूज द एबलेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट मैन टू लीड देम। The stereotype of the tribal leader is available across all the culture and geographies. Similarly, in later time also, people were concerned about the quality of governance since it affected their own quality of life. A greedy ruler would extract high taxes and keep the people poor and starving for this reason. Benevolent kings were adored, while tyrants and despots were abhorred. Those were the days of monarchy, when kings ruled over countries. The kingship was hereditary, is that a prince would inherit the kingdom when his father, the king, either died or abdicated in his favor. यानी मनुष्य जो है हमेशा अपने शासन के बारे में चिंतित रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो इसे सीधे रूप से प्रभावित होता है। और लेकिन शुरुआत में जो लोग होते थे, वे अपने में से किसी शक्तिशाली राजा को चुनते थे, और वो शक्तिशाली राजा जो है पुरानी विचारधाराओं में विश्वास रखता था, और उनका अपना ही कल्चर यानी उनकी अपनी संस्कृति और भूगोल होती थी, और वे उनके अपने जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती थी। और इसी तरह से एक भूखा शासक जो कि बहुत ज्यादा कर लगाता था लोगों पर, और लोगों को गरीब और भुखमरी का शिकार बनाता था, और इसका कारण यह था कि जिसमें कई जो है बेनिवोलेंट्स का मतलब है परोपकारी राजाओं का पूजन किया जाता था, और दूसरी तरफ जो परोपकारी राजा थे और उनके दूसरी तरफ जो निर्दयी और अत्याचारी राजा थे, लोग उनसे घृणा करते थे। और उस समय जो थे तानाशाही के दिन थे, जिसमें तानाशाही के दिन थे, और जब जो राजा जो है पूरे देश पर शासन करता था, और जो राज्याधिकार था वो पैतृक था, और जिसमें राजा का बेटा ही उस राजगद्दी पर बैठ सकता था जब राजा की मृत्यु हो जाती थी। नाउ ग्लोसरी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन लोकतंत्र, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नाउ रेनेसेंस, अ रिवाइवल और रीबर्थ यानी दोबारा जन्म, ऑफ कल्चर अवेयरनेस एंड लर्निंग दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 14th and 15th century। सोशलिज्म, समाजवाद, अ सिस्टम इन विच द प्रोड्यूसर पॉसिस बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। मोनार्की, तानाशाही, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज अ मोनार्क एज हेड ऑफ स्टेट एंड इन होम ऑल पावर इज वेस्टेड, हालांकि जिसमें सारी शक्तियां जो है एक राजा के हाथों में है। डिक्टेटरशिप, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर टू रूल रेस्ट विद वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें भी जो सारी शक्तियां एक आदमी के हाथ में या एक छोटे से ग्रुप के लोगों के पास होती हैं। नाउ व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग रूल्स, यानी डेमो मीन्स पीपल लोग, और क्रेटो का मतलब है शासन करना या सरकार। थस द ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि इसका असली जो मतलब इसका पूर्ण रूप से जो मतलब है डेमोक्रेसी का, यानी लोगों का शासन है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर, दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब्राहम लिंकन, द फेमस USA प्रेसिडेंट, हैड एप्टली डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी में जो है हम सीधे रूप से सरकार की प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। इसी तरह से जो है अब्राहम लिंकन जो USA का प्रेसिडेंट था, उसने यह कहा है कि जो लोकतंत्र है लोगों की, लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी हाउ एवर बिगेन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 18th century।
मतलब कि मॉडर्न यानी कि आधुनिक जो लोकतंत्र की कहानी है जो 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई। इन ब्रिटेन द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ रॉयल फैमिली हैड ऑलरेडी बिगन, मतलब कि ब्रिटेन में जो है सारी शक्तियां जो है बड़े परिवारों के हाथों में होती थी। द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट 1776। ब्रिटिश कॉलोनीज यानी ब्रिटिश उपनिवेश में नॉर्थ अमेरिका ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया 1776 में एंड अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787 और वहां पे उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान बनाया 1787 में। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के क्या क्या सिद्धांत हैं। डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। पीपल आर पावरफुल, दे इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, कंट्रोल इट एंड रिमूव इट फ्रॉम पावर। यानी लोग जो है इसमें शक्तिशाली, वे अपनी सरकार को चुन भी सकते हैं, इस पर नियंत्रण भी करते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड एट पीरियोडिक इंटरवल्स इन इंडिया, दे आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। यानी कि भारत में जो इलेक्शन की प्रक्रिया है हर 5 साल के बाद होती है। मोर देन वन पार्टी कंस्टेंट इलेक्शन यानी कि चुनाव में एक से ज्यादा पार्टियां भाग ले सकती हैं। पीपल वोट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज, लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। यानी कि 18 वर्ष तक की आयु के जो मतदाता हैं, उनको मत देने का अधिकार है। इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी यानी जो लोकतंत्र में जो है समानता, इसका आधार है। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द मार्जिनलाइज्ड, जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनको जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। सिटीजन्स गेट्स राइट्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट यानी नागरिकों राज्य द्वारा प्राप्त अधिकारों की जो है सुरक्षा की जाती है। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है जो उन्हें राज्य से प्राप्त होते हैं। सेफगार्ड कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द मेनोरिटीज यानी संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम हो। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू लॉ, सरकार जो है कानून के अनुसार चलती है। मोस्ट प्रेफरेबली इन अकॉर्डिंग विद ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा संविधान जो है लिखित है। पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी उनको हर लेवल के ऊपर बांटा गया है। देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटर और शक्तियों को 3 स्तरों पर बांटा गया है जिसमें लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दिस इज डन टू प्रिवेंट एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल और इसमें क्या है, शक्तियों को उनके कार्यों के आधार पर माना गया है। क्योंकि एक जो है लोकतांत्रिक सरकार जो है, दिस इज डन टू प्रिवेंट एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट फॉर बिकमिंग टू पावर, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी सरकार का एक अंग ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता क्योंकि सभी में शक्तियों का बंटवारा समान रूप से होता है। नाउ सिस्टम्स दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ वोटिंग यानी लोकतांत्रिक सरकार जो है मतदान के आधार पर काम करती है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देयर इज ए फ्रांचाइज और राइट टू वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, देयर आर आल्सो रेगुलर इलेक्शन, मतलब कि जिसमें मतदान के आधार पर जो वो अपने नेता को चुन सकते हैं और यह एक चुनाव प्रक्रिया द्वारा ही संभव होता है। फ्रांचाइज होता है विशेषाधिकार। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज अ फिक्स वोटिंग एज, हर जो लोकतंत्रीय देश है उसमें मतदान करने की एज होती है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन हु हैव रीच्ड द वोटिंग एज आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शन टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन हु हैव रीच्ड द वोटिंग एज आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शन टू चूज रिप्रेजेंटेटिव हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट,
यानी कि जब उस मतदाता की उम्र जो है 18 साल हो जाती है तो उसको मतदान करने का अधिकार है और वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। इफ ऑल एडल्ट सिटीजन हैव राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस रिलीजन वेल्थ सेक्स एसेट्रा वी से देयर इज ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो लिंग का हो, सभी को मत देने का अधिकार है और इसे ही हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। इन इंडिया द वोटिंग एज इज 18 ईयर एंड देयर इज ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत में जो है जो मतदान करने की उम्र है वो 18 साल है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। मतलब कि सभी को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित क्यों ना हो। This means that all citizen age 18 year above can vote, whether they are man or woman, चाहे वो कोई आदमी हो औरत, rich or poor, अमीर हो या गरीब, educated हो या illiterate, यानी कि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। Also, no Indian citizen of voting age can be stopped from voting on ground of race, religion, language or caste, यानी किसी के साथ भी भाषा, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यू ऑन पॉलिटिकल इशू, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसा संगठन है लोगों का जिसमें उनके एक जैसे विचार होते हैं। एवरी पार्टी एम्स टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन, हर पार्टी का एम क्या होता है, इलेक्शन जीतना एंड फॉर्म द गवर्नमेंट और सरकार बनाना। फॉर दिस इट नीड टू विन द पीपल सपोर्ट, इसके लिए लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इन इंडिया देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टी, भारत में जो है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। इफ एनी पार्टी विन मोर देन हाफ द सीट्स इन लेजिस्लेटर इट कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी अगर कोई पार्टी आधे से ज्यादा विधानसभा में सीटें जीत लेती है तो वो अपनी सरकार बना सकती है विदाउट शेयरिंग पावर विद एनी अदर पार्टी, मतलब कि किसी पार्टी के साथ जो है पावर्स को शेयर किए बिना। द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, इस पार्टी को हम रूलिंग पार्टी के नाम से जानते हैं। द अदर पार्टी फॉर्म द ओपोजिशन, और दूसरी पार्टी को ओपोजिशन यानी विरोधी पार्टी। इफ नो सिंगल पार्टी विन अ क्लियर मेजोरिटी, कोई भी सिंगल यानी कि अकेली पार्टी जो है क्लियर बिल्कुल एक मेजो बहुमत नहीं ले सकती। टू और मोर पार्टी टूगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, दो या दो से ज्यादा पार्टियां जो है गवर्नमेंट बनाती हैं। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉलिएशन गवर्नमेंट, इसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। रेगुलर इलेक्शन, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज फॉर्म फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ ए टाइम, आफ्टर दैट देयर आर फ्रेश इलेक्शन, यानी लोकतांत्रिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, इनका एक समय टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इतने साल के बाद इलेक्शन होंगे। इफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, अगर जो लोग हैं सरकार से संतुष्ट हैं तो दे मे वॉट इट टू बैक द पावर, वो दोबारा उनको पावर देंगे यानी कि वोट देंगे। इफ नॉट दे मे चेंज द गवर्नमेंट, अगर वो नहीं पसंद करते उस सरकार को तो वो सरकार को चेंज कर देते हैं। इन इंडिया इलेक्शंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर हेल्ड एटलीस्ट वन एवरी 5 years, यानी भारत में जो सेंट्रल और केंद्र और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव है हर 5 साल के बाद होते हैं। सम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कुछ और रूप भी हैं सरकार के। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, टू इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अदर देन डेमोक्रेसी आर मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, मोनार्की तानाशाही। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ मोनार्क हैज एब्सोल्यूट पावर एंड द किंग टू रूल फॉर लाइफ, यानी इसमें जो राजा है स्वेच्छाचारी रूप से शासन करता है और उसके पास वो अपनी मर्जी से ही शासन करता है। मोनार्की इज जनरली हेरिडेटरी, ये पैतृक होती है। वेन द मोनार्क डाइस यूजली द एल्डेस्ट सन ऑफ द मोनार्क ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट रूलर, अगर कोई राजा मर जाता है तो उसकी जगह पर उसका बेटा ही दूसरा शासक बनता है। इन्हें मोनार्की, द मोनार्क अलोन डिसाइड हाउ मच फ्रीडम टू गिव द पीपल, मोनार्क ही ये डिसाइड करता है कि लोगों को कितनी, यानी तानाशाही राजा ही ये
डिसाइड करता है कि लोगों को कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए। इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हाउ एवर द मोनार्क शेयर पावर विद द पीपल, और ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी शक्तियां लोगों के साथ शेयर करे बांटे। डिक्टेटरशिप, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर ऑफ रूल रेस्ट विद वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें भी डिक्टेटरशिप में भी शक्ति जो है किसी एक पर्सन और एक छोटे से ग्रुप के लोगों के हाथों में होती है। सच पावर इज ऑफन ऑब्टेन्ड फोर्सिबली, यानी ये जो है शक्ति अपने सभी को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अ डिक्टेटर यूजली टेक अवे मच ऑफ द पीपल फ्रीडम, यानी उनको लोगों की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं होता। दोज वो डेयर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट आर सेवरली पनिश, यानी कि जो इनकी आलोचना करते हैं उनको दंड दिया जाता है, यानी को पनिश किया जाता है। नाउ डेमोक्रेसी गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू द पीपल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट अफेक्ट देम। इट इवन अलो द पीपल टू चेंज अ गवर्नमेंट दैट cannot satisfy them, which is not usually possible in a monarchy or dictatorship। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, अगर वो सरकार जो है हमारे अनुसार यानी हमारे अनुसार काम नहीं कर रही तो हम उसको बदल सकते हैं, या हम उससे संतुष्ट नहीं है तो भी हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन तानाशाही और डिक्टेटरशिप में ऐसा संभव नहीं है। Now equality in democracy। It is often said that there is no democracy without equality। अक्सर ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बिना लोकतंत्र के समानता स्थापित नहीं हो सकती। Hence, in most democratic country, all citizens are given equal right at least formally। यानी कि सभी citizens को, सभी नागरिकों को equal rights दिए गए हैं। The laws are usually the same for citizen, and the rule of law ensure that nobody, not even the government, is above the law। मतलब सभी नागरिकों को एक जैसे अधिकार दिए गए हैं कानून में, और ये बताया गया है कि कोई भी जो है कानून से ऊपर नहीं है। In many country, democracy include giving equal opportunities to all citizen to get education or living, use public facilities and so on। डेमोक्रेसी में सभी को एक समान सुविधाएं दी जाती हैं, लोकतंत्र में शिक्षा प्राप्त करने की, अपनी जीविका कमाने की और कई सुविधाएं दी गई हैं। इन दिस कंट्री डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, वेल्थ, सेक्स इज डिस्करेज, यानी किसी के साथ किसी भी तरह का जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। The government often takes step to reduce social economic inequality। इसी तरह से सरकार ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। So all citizen can live with dignity, ताकि जो सभी नागरिक हैं वो सम्मान से अपना जीवन जी सकें। Equality and Indian democracy। India is a democratic country। We have universal adult franchise, hence every citizen adult can vote no matter what his or her race, religion, language, caste, wealth, sex or level of education may be। मतलब कि सभी को मत देने का अधिकार है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी नागरिक जो है मत दे सकते हैं, यानी कि अपनी वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा से संबंध रखते हों, चाहे वो एजुकेटेड हों या ना हो। मोर ओवर एवरी पर्सन वोट कैरीज इक्वल वेट एंड रिगार्डलेस ऑफ हिज हर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि सभी की वोट का इक्वल यानी कि एक जैसा ही वेट है हर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, अपने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर। इन इंडिया ऑल सिटीजन फॉर्मली इंजॉय द सेम स्टेटस, हैंस नो सिटीजन कैन बी लुक डाउन अपॉन फॉर बिलोंगिंग टू ए सर्टेन रेस, स्पीकिंग सर्टेन लैंग्वेज, फॉलोइंग अ सर्टेन रिलीजन, डूइंग ए सर्टेन टाइप ऑफ वर्क, बीइंग अ वुमेन, बीइंग पुअर, सफरिंग फ्रॉम ए डिसेबिलिटी। मतलब कि चाहे
किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, चाहे कौन जो मतलब कोई भी लैंग्वेज बोल रहा हो, किसी धर्म को अपनाता हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, कोई आदमी हो या औरत हो, पुअर हो, गरीब हो या अमीर हो, उन सभी को जो है समाज में एक जैसा सामाजिक स्तर प्राप्त है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री, फ्रॉम दिस राइट इट फॉलोज दैट ऑल इंडियन सिटीजन आर सोशली इक्वल बिफोर द स्टेटस स्टेट। दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट स्टॉप एनी सिटीजन फ्रॉम डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एंटरिंग ए पब्लिक बिल्डिंग, यूजिंग अ पब्लिक वेल, टैंक और रोड एंड सो ऑन, जस्ट बिकॉज ही और शी बिलोंग टू ए सर्टन कास्ट, कम्स फ्रॉम सर्टन रिलीजन, फॉलोज अ सर्टन रिलीजन, इज रिच और पुअर, इज अ मैन और ए वोमेन। मतलब कि सभी जो सामाजिक स्तर पर जो है इक्वल है, चाहे वो क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी राज्य है अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, चाहे वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा हो, और चाहे वो इसी तरह से वो क्या करते हैं कि एक पब्लिक बिल्डिंग, यूजिंग ए पब्लिक वेल, वो चाहे किसी भी पब्लिक वेल यानी कि कुएं को यूज कर सकता है, टैंक, रोड, सभी को यूज कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति व धर्म से संबंध रखता हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, उसे सभी को राज्य में जो है एक समान अधिकार प्राप्त है। All Indian citizen are equal before the law, enjoy equal protection within Indian territory. यानी कि सभी नागरिक जो हैं कानून के सामने एक हैं और सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हैं। And every citizen be it president or ordinary person has to be obey the same law. चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई साधारण मनुष्य, सभी को कानून का पालन करना पड़ता है। The state cannot give any citizen any title that would the give recipients any special social privilege. यानी कि जो राज्य है किसी भी नागरिक को कोई special यानी कि विशेषाधिकार नहीं दे सकता है। Untouchability is illegal and punishable. यानी छुआछूत को अनैतिक और दंडनीय अपराध माना गया है, यानी जो कोई इसके पक्ष में है उसे दंड दिया जाता है। इक्वालिटी इज ओनली फॉर्मल, यानी समानता सिर्फ एक फॉर्मल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू इक्वालिटी, हमारे संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया है, बट दिस डज नॉट मीन दैट इनइक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री एनीमोर, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे देश में असमानता कहीं भी नहीं है। इट ओनली मीन्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सिर्फ हमारे संविधान में समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। दिस कैन डिसकरेज द गवर्नमेंट फॉर डिस्क्रिमिनेटेड बट नॉट द सोसाइटी, मतलब कि इसका पालन जो है सरकार कर रही है, यानी कि ये समाज से पूरी तरह गया नहीं है। इन डेली लाइफ वी स्टिल फाइंड मैनी एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, हम अपने दैनिक जीवन में जो है इसके बहुत सारे उदाहरण देखते हैं असमानता के। वी ऑफन फाइंड दैट द पुअर पीपल कैन नॉट गेट गुड मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर वांट ऑफ मनी, यानी कि हम देखते हैं कि गरीब लोगों को अच्छी जो है चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती, ना उनके बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ पाते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सच फैसिलिटी एट चीप रेट्स बट दीज आर नाइदर इक्वली अवेलेबल नोर इक्वली गुड एवरीवेयर, पर वो जरूरी नहीं कि सब लोगों को उपलब्ध हो सके, कई लोगों को मिलती हैं और कईयों तक वो पहुंचती नहीं है। ऑफन दे आर नॉट एज गुड एज द प्राइवेट फैसिलिटी, लेकिन वो प्राइवेट फैसिलिटी से अच्छी नहीं होती, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं। कौन सी प्राइवेट फैसिलिटीज, ऑल्सो देयर आर ऑलवेज मैनी पीपल ट्राइंग टू गेट द चीप गवर्नमेंट फैसिलिटी, लेकिन इसके बाद भी जो है लोग जो है सरकार की सस्ती फैसिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं। दोज हु डिपेंड ऑन देयर डेली अर्निंग, जो अपनी डेली अर्निंग पर निर्भर करते हैं, कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड लॉन्ग और वेटिंग इन क्यू टू अवेल ऑफ दिस फैसिलिटीज,
इसके बाद वो एक लंबी लाइन में घंटों तक इंतजार नहीं कर सकते. दे हैव टू गो हंग्री फॉर द डे इफ दे डू नॉट गो टू द वर्क. अगर वो काम पर नहीं जाएंगे तो भूखे रह जाएंगे. Another example of the inequality is ill-treated of Dalit in many parts of the country. यानी दूसरा example असमानता का क्या है कि दलित लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा किया जाता देश के कई भागों में. Members of caste which face social discrimination call themselves Dalit to show that they have been and still are humiliated and ill-treated. यानी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है. In some schools, Dalit students are not allowed to sit with other students. यानी दलित नीची जाति के लोगों को दूसरे students के साथ नहीं बैठने दिया जाता. They are often beaten without reason. उनको बिना किसी कारण से मारा जाता है. Some teacher even wash the stick with which a Dalit is beaten because they considered a Dalit touch is impure. लेकिन कुछ टीचर तो ऐसे हैं कि उस स्टिक को दलित बच्चे को मारने के बाद उसको धोते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जो दलित लोगों का टच है वो अशुद्ध है. दलित ऑथर ओम प्रकाश वाल्मीकि इन हिज बुक जूठन, दलित ऑथर है उसकी जो किताब है जूठन, उसमें लिखा गया है अ दलित लाइफ डिस्क्राइब हाउ ही वाज मेड टू स्वीप हिज स्कूल कोर्टयार्ड. मतलब कि उसने अपने स्कूल के बरांडे की सफाई करते करते इंस्टेड ऑफ बींग टेट विद हिज क्लासमेट और अपने क्लासमेट के साथ सब कुछ पढ़ा नहीं, मतलब कि उसको उसने कुछ भी नहीं सीखा. क्यों? क्योंकि वो एक दलित स्टूडेंट था. उसका काम क्या था? झाड़ू वगैरह मारना. स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी एज देयर आर इनइक्वेलिटी देयर आर आल्सो स्ट्रगल टू विन राइट. पीपल होप दैट सच स्ट्रगल्स विल convert the formal equality granted by the constitution into real equality. Such struggle promote respect for people dignity and strength democracy. One example is the struggle of the displaced tribal people who set up the Tawa Matasya Sangh. Isme kya hai? Asmanta ke bare mein bataya gaya hai. इस असमान ये जो है संघर्ष असमानता के लिए हुआ था जिसमें लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए. लोगों को आशा थी कि हमें अधिकार मिलेंगे. समानता के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं इससे संविधान में जो है उन्हें सच्ची समानता प्राप्त हो गई. सच स्ट्रगल प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर द पीपल डिग्निटी, इससे लोगों के जो है लोगों को सम्मान मिलेगा और उनकी स्ट्रेंथ यानी उनकी शक्ति में जो है वृद्धि होगी. एक एग्जांपल जो इसकी स्ट्रगल का यानी कि इसके संघर्ष का हम तवा मत्स्य संघ से लेते हैं. द TMS इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल फिशिंग कोऑपरेटिव. यानी कि ये संघर्ष जो है बहुत सारे जो मछली पालन वाले लोग थे उनके बीच में था. इट वॉज सेटअप बाय ट्राइबल who had to move out of their land due to building of dam on the river Tawa in Madhya Pradesh. यानी बहुत सारे ट्राइबल लोगों को जो है अपनी भूमि से निकाल दिया गया था और उसकी जगह पर एक डैम बनाया गया बनाया जाने लगा और जो कि मध्य प्रदेश में था. एंड द क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द सतपुरा फॉरेस्ट रीजन. द displaced people depend heavily on their earning from fishing is a re-survivor from formed by the dam. यानी कि बहुत से लोग जो हैं the displaced people depended heavily on their earning from fishing in the formed by the dam. यानी कि जो इन जिन लोगों को यहाँ से निकाला गया था वो अपनी जीविका के लिए इन्हीं पर निर्भर करते थे. बट दिस सोर्स ऑफ इनकम ड्राइड अप व्हेन द गवर्नमेंट गेव द फिशिंग राइट ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो उनकी इनकम का स्रोत था वो बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि सरकार ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया.
द कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड लेबर फ्रॉम अदर एरिया, और कॉन्ट्रैक्टर ने जो है दूसरे मजदूर रख लिए, एंड स्टॉप द लोकल पीपल फॉर फिशिंग इन रिजर्वायर, और लोगों को वहां जो है फिशिंग यानी कि मछली पालन के लिए रोक दिया गया। द TMS was set up an organization to protest against this and to demand the right of displaced people to fish in the reservoir. और उसके बाद जो है TMS ने जो है एक संगठन बनाया इसका विरोध करने के लिए, और उनकी मांग यह थी कि जिन लोगों को निकाला गया है उन्हें दोबारा ये अधिकार दिए जाएं। After continued protest, the government set up a committee to look into the matter. उसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट चलता रहा और सरकार ने एक कमेटी बनाई इस मैटर की देख रेख करने के लिए। ऑन द कमेटी सजेशन द गवर्नमेंट गेव फिशिंग राइट टू द TMS। बहुत सी सजेशन सलाह करने के बाद सरकार ने जो है ये राइट TMS को दे दिया। विद अ फ्यू इयर्स TMS इम्प्रूव फिशिंग इन द रिजर्वायर एंड थस प्रोवाइड्स इट एफिशिएंसी, यानी कि बहुत समय के बाद फिशिंग उन्होंने अपने जो मछली पालन के व्यापार को इम्प्रूव किया, और उसने उन्होंने अपने महत्व को दिखाया कि उनकी क्या एफिशिएंसी है। गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट इक्वालिटी। देयर आर सेवरल लॉ इन इंडिया टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, यानी संविधान में बहुत सारे कानून बनाए गए कि सभी को जो है इक्वली ट्रीटेड किया जाए, यानी समान जो है व्यवहार किए जाएं। देयर आर ऑल्सो लॉ टू प्रिवेंट द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन हु आर डिसएडवांटेजियस पोजिशन। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एलो स्पेशल बेनिफिट टू बी गिवन टू सम डिसएडवांटेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी सच एज दलित, यानी भारतीय संविधान ने इन लोगों को जो है स्पेशली बहुत से अधिकार दिए हैं जिन्हें हम दलित कहते हैं। दिस इज टू हेल्प टू ग्रेजुअली अटेन अ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल टू दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जबकि सामाजिक और आर्थिक रूप से इनको इक्वल यानी एक समान अधिकार दिए जाएं इनके समाज को। द गवर्नमेंट रन वेरियस स्कीम फॉर दिस पर्पस, सरकार ने जो इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स बनाई हैं। वन ऑफ दीज स्कीम्स फॉर प्रोवाइडेड मिड डे मील टू स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, यानी एक स्कीम तो यह है कि बच्चों को मिड डे मील स्कूल्स में ही दिया जाएगा। दिस हैज मैनी एडवांटेज, इसकी कई सारे लाभ हुए। मैनी पुअर चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट एन फूड फॉर एनकरेज टू अटेंड स्कूल इन द होप ऑफ फ्री मील, हालांकि जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे उनको पता है कि अब उनको स्कूल में से भोजन मिलेगा, तो इसी आशा से उन्होंने स्कूल में जाना शुरू किया। स्टूडेंट ऑफ ऑल कास्ट टेक द मील टुगेदर, सभी जातियों के बच्चे इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। ऑफन दलित वुमेन आर एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और जो दलित महिलाएं हैं वो भोजन पकाती हैं। ऑल दिस हेल्प रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इससे क्या होता है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो समाप्त कम हो रहा है। समटाइम हाउ वी हियर टू स्टूडेंट रेफ्यूजिंग टू ईट फूड कुक बाय दलित्स एंड दलित स्टूडेंट्स बीइंग मेड टू सिट अपार्ट मील, हालांकि इसमें क्या है जो सभी बच्चे जो हैं मिलजुल कर भोजन करते हैं। सच थिंग विल ओनली स्टॉप, हमें इन चीजों को समाप्त करना चाहिए। व्हेन वी चेंज आवर एटीट्यूड्स, हमें सिर्फ अपने एटीट्यूड्स को बदलने की आवश्यकता है। इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सोशल इनइक्वालिटी आर नॉट यूनिक टू इंडिया, मतलब कि ये समानता जो है सिर्फ भारत में ही नहीं देखने को मिलती। वी फाइंड देम सेवरल अदर डेमोक्रेटिक कंट्री एज वेल, और कई लोकतांत्रिक देशों में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल देर इज स्टिल सम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन इन द USA में भी देख सकते हैं। दिस इज ए ट्रू इवन थ्रू अ सिविल राइट मूवमेंट इन 1915, इसके लिए उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट्स की थी 1950 में, लेड टू पासिंग ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 विच फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस कलर रिलीजन नेशनल ओरिजिन, मतलब कि जिसमें इस भेदभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया चाहे वो किसी जाति धर्म लिंग का हो। हैंस इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी देयर आर नेसेसरी इन डेमोक्रेटिक कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कि ये इक्वालिटी के लिए संघर्ष जो है पूरे देश के लोकतांत्रिक देशों के लिए जरूरी है।
here your chapter is over.